देखते हैं कोई बात, अपडेटेड का क्या मतलब है, मिसप्रिंट तो किसी में भी हो सकता है, देख लूँगा मैं एक बार। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 पर आ जाओ फिर, ठीक है। ज़रा देखिए वो आपसे क्या बोल रहे हैं, Why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? बेटा आपने क्रिकेट मैच देखा होगा या फुटबॉल मैच देखा होगा, जब बेटा कॉइन आप उछालते हो तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखिए ये है आपकी कॉइन और इसमें या तो हेड आएगा या क्या आएगा बेटा, टेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा टोटल आउटकम्स कितने होंगे बताइए जरा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बेटा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे बताइए जरा, 2। कैसे? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 हो गए। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा एक बताओ, दोनों में से हेड कितनी बार है, एक बार। तो बेटा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, टोटल लिखा जाता है डिनोमिनेटर में और उसमें से हमें देखना है हेड कितना है, हेड है बेटा कितने, 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो बेटा क्या हो जाएगी, 1/2। अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करके लिखूं तो बेटा आएगा 0.5 और इसका भी क्या आएगा, 0.5। 0.5 का मतलब होता है बेटा 50%। सो इन बोथ द केसेस In both the cases, both outcomes have 50% probability. Therefore, बेटा अब आप यहां पर लिखोगे tossing a coin, मतलब यहां से अब आप यहां तक पूरा लिख दोगे, ठीक है। टॉसिंग द कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग द विच टीम। अच्छा एक बात हो, मान लीजिए क्रिकेट हुआ और आपने टॉस किया, तो बेटा हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर सेम नहीं हुई तो बेटा क्या होगा, कौन सी टीम खेलेगी पता ही नहीं चलेगा, है ना। या फिर एक टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे की क्या हो जाएगी, कम। तो हेड और टेल के केस में दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% रहती है, इसीलिए आपने देखा होगा मैचों में कभी लड़ाई नहीं होती, वो कहते हैं ठीक है भाई, क्योंकि दोनों के चांसेस क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। प्लीज़ नोट इट डाउन।